मिनीसो हॉल तो तुमने बड़े सारे देखे होंगे, पर क्या तुमने एक मस्त हिंदी में मिनीसो हॉल देखा है? देखा भी होगा तो ना बोलना अभी प्लीज मेरे लिए। हाय एवरीवन, आज हम एक मिनीसो हॉल करेंगे लेकिन हिंदी में। अगर तुम काफी टाइम से फैमिली के मेंबर हो तो तुम जानते हो कि मैं इंग्लिश में सबसे ज्यादा बात करती हूँ, पर मुझे हिंदी काफी अच्छी आती है। तो कुछ अलग करने के लिए आज हम मिनीसो हॉल हिंदी में करेंगे, क्योंकि मुझे करना तो था ही पर इतने सारे लोगों ने कर लिया तो मैंने सोचा हम क्या डिफरेंट करेंगे, हम हिंदी में करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैंने मिनीसो से पिकअप की थी वो है ये फ्लेमिंगो मिरर। सबसे पहले तो इसकी प्रिंट एकदम ज़्यादा ही क्यूट है, बट सेकंड थिंग इज कि इसमें एक इतना मस्त फीचर है कि तुम मिरर को ना ऐसे खड़ा रख सकते हो। तो अगर तुम कैब वगैरह में हो तो ऐसे पकड़ सकते हो, कैब में थोड़ा हिल जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, बट तुम अपने टेबल पर ऐसे रख सकते हो। तो ये फीचर बहुत मस्त है एंड शायद ये मैग्नेटिक है। हाँ, ये मैग्नेटिक भी है। तो 150 रुपीज़ के आसपास मुझे मिला था। आई थिंक प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, नॉट बैड। उसमें काफ़ी सारे अलग अलग प्रिंट में वैरायटी भी थी। सेकंड चीज़ जो मैंने मिनीसो से पिकअप की थी वो है ये स्लीपिंग मास्क। पर ये सिर्फ एक क्यूट स्लीपिंग मास्क नहीं है, इसके अंदर एक कूलिंग जेल पाउच भी है। तो ये हमारी लाइट गिर गई, तो ये खरीदते वक्त मुझे नहीं पता था, जब लाई तब देखा कि वाओ ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये मास्क सिर्फ 150 का था और इसकी आंखों पे जो इसने हाथ रखा है वो मैग्नेटिक है। तो क्यूट स्लीपिंग मास्क मुझे काफी टाइम से चाहिए था, पर मैंने सिंपल से मास्क भी 500 रुपए के देखे थे, तो जब मैंने ये 150 के आसपास का देखा लेना ही था यार। थर्ड आइटम जो मैंने ली वो तुमने काफी हॉल्स में देखी होगी, ये नेक पिलो। अभी द रीजन मैंने ये खरीदा इसकी, मुझे ये काफी टाइम से चाहिए था क्योंकि ट्रैवलिंग कौन नहीं करता, पर मुझे मेरा पहला पिलो 1000 रुपीज के आसपास का नहीं लेना था, मुझे एक सस्ता वाला लेना था, और अगर अच्छा यूज मैंने किया तो मैं महंगा वाला लूंगी अच्छी क्वालिटी का। पर तभी मिनीसो खुला नहीं था यहाँ पे, अब खुल गया तो मैंने एक और ले लिया। अब मेरी मॉम भी यूज करती है। छोटा सा इशू ये हुआ है कि ये ऑलरेडी फट चुका है। ये फटा तो 3-4 ट्रिप्स के बाद है, और वो भी क्योंकि मैंने थोड़ा जंगली होके जैसे यूज किया है, पर मैं इसको डेफिनेटली हाथ से सी दूंगी तो हो जाएगा ठीक। क्वालिटी बड़ी सही है, आई थिंक 230 रुपीज के आसपास मिला था। एंड इसमें एक फीचर जो मुझे बहुत पसंद है, ये बटन। तो जब हम पहनते हैं तो मेरा जो ओरिजिनल नेक पिलो है ना वो ऐसे स्लिप होके कभी कभी गिर जाता है, पर इसमें ये बटन है ना तो मैं ये बंद करती हूँ तो ये ना गिरता ही नहीं है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये। इसमें कलर ऑप्शंस भी है। एक और बड़ी क्यूट चीज मैंने ली है, लगेज टैग। अब मैं खोल के तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने अंदर डिटेल्स लिख दी है, देखने को क्या क्या बता सकती हूँ। ऐसे खुलता है, यहाँ पे नाम, फोन नंबर, एड्रेस एंड ईमेल आईडी लिख सकते हैं। तो अगर हमारा बैग खो गया तो समबडी कैन कॉन्टेक्ट अस इफ दे आर ऑनेस्ट। देखो वापस मैं इंग्लिश पे आ गई। हाँ, तो इस पे एक चीज मुझे जो नहीं पसंद आई कि ये रबर बैंड है। अभी 75 रुपीज का एक टैग है, तो आई थिंक रबर बैंड से बेटर कुछ मिल सकता था इसको लगाने के लिए, पर अभी तक ये टूटा नहीं है। 2-3 ट्रिप्स पे मैं ये लगा चुकी हूँ तो क्वालिटी खराब नहीं है रबर बैंड की, इलास्टिसिटी अभी भी काफी स्ट्रांग है। अब तुम्हें शायद पता होगा कि मेरी मॉम का योगा सेंटर है, शी इज अ योगा गुरु, तो उन्होंने अपने फिटनेस के लिए काफी सारी चीजें ली मिनीसो से, जैसे कि ये रेजिस्टेंस बैंड। इसको ऐसे खींचना होता है और इसमें आर्म्स की बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये काफी सस्ता था, आई थिंक ये 150 या 200 के आसपास ही मिल गया था, जो बड़ी अच्छी प्राइस पॉइंट है, वरना फिटनेस की ऐसी चीजें काफी महंगी आती है। फिर फिटनेस में मैंने ये एब रोलर लिया। तो एब रोलर मुझे काफी टाइम से चाहिए था, पर अगेन वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने मिनीसो में ये देखा और मुझे नहीं पता था कि इसमें कलर ऑप्शंस है। मैंने तो रैंडमली कोई भी उठा लिया, पर नसीब से एकदम प्यारा कलर मिल गया। ये सिर्फ 250 या 290 के आसपास था, जो एब रोलर के लिए बहुत अच्छी प्राइस पॉइंट है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत मस्त है। मैंने इसको 2 हफ्ते तक यूज किया है, बहुत मस्त चलता है। अगर तुम्हें चाहिए ले लो, तुम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी ले सकते हो, थोड़ा मोटिवेशन के लिए कि कुछ तो कसरत कर लो। मॉम ने 2 और चीजें ली जिसमें से एक ये बैंड है। तो ये एक पूरा लूप है, ये कहीं से भी खुला नहीं है। इसको हम आर्म्स के लिए भी सेम यूज कर सकते हैं, या तो इसको पूरे बॉडी के फ्रेम के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब पैरों से भी और हाथों से भी दोनों टाइम पे स्ट्रेच कर सकते हैं। मेरी मॉम को इसके यूजेस काफी बेटर पता है, मैं तो सिर्फ तुमको दिखा रही हूँ कि यार ये लिया है हमने। ये भी 150 के आसपास का था, पर हाँ मैं मॉम के साथ जब फिटनेस वीडियो बनाऊंगी तब ये सारे प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे हम। थोड़ी शुद्ध हिंदी हो रही है ना, मैंने एक्चुअली बॉम्बे टाइप हिंदी में बनाने का सोचा था, क्योंकि मैं बॉम्बे टाइप हिंदी यूज करती हूँ रेगुलर लाइफ में, शुद्ध हिंदी तो आजकल कोई बोलता नहीं है, पर ठीक है जो निकल रहा है वो निकलने देता है। एंड लास्ट फिटनेस आइटम ये है, 2 स्क्वीजी बॉल्स।
तो यूजुअली हम स्माइली बॉल्स यूज कर लेते हैं फिटनेस के लिए क्योंकि इजिली मिल जाता है, पर ये फिटनेस बॉल्स इतने कड़क है ना कि फिंगर्स की मस्त एक्सरसाइज हो जाती है इससे, तो इसलिए ये सेट लिया पूरा सेट। इसका बॉक्स है मेरे पास, मैं एग्जैक्ट प्राइस बता सकती हूँ। ये 150 का था, विच इज नॉट बैड फॉर फिटनेस इक्विपमेंट, क्योंकि यूजुअली फिटनेस के नाम पे ना सब महंगा मिल जाता है, तो मिनीसो की ये चीज मुझे बहुत पसंद आई। और लास्ट आइटम मैंने मेरे डैड को एक्चुअली बर्थडे गिफ्ट में ये दिया था, ये है शूज पहनने की एक स्पून। तो यूजुअली काफी छोटे साइज में मिलता है शूज स्टोर्स में, तो इसमें एक मस्त हैंडल है, ये बिल्ली, आई थिंक ये बिल्ली ही है, इसको पकड़ के रख सकते हैं और इसको हील पे रखना होता है जब हम शू में पैर डाल रहे हैं, ताकि वो अटक ना जाए, फिर उंगली से शू को सीधा ना करना पड़े जो बड़ा पेनफुल होता है कभी कभी। तो ये मैंने दिया था, आई थिंक ये 75 रुपीज या 150 का था, तो मिनीसो में सबसे सस्ती चीज मुझे 75 की दिखी, जो कुछ चीजों के लिए वर्थ इट नहीं है, जैसे कि ये बैग टैग आई थिंक 40-50 रुपीज का बेटर होता, पर कुछ चीजें टोटली वर्थ इट है, जैसे वो जैसे ये आई मास्क और फिटनेस बॉल्स, तो उस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एंड हाँ, तुम्हारे लिए गिव अवे भी तो है, टाइटल में है, मैं भूल गई। इस गिव अवे में आप जीत सकते, आप यार तुम फैमिली मेंबर हो मेरे, इसके बाद आप थोड़ा वियर्ड लगता है। इस गिव अवे में तुम जीत सकते हो ये लेमन पाउच, ये तुमने स्टेशनरी हॉल में काफी पहले देखा होगा, तो मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा है। इसकी फिनिश बहुत मस्त है, फोल लेदर टाइप है, जिप की क्वालिटी बहुत मस्त है और अंदर से काफी स्पेशियस है। इसमें रखने के लिए आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू ये ग्लिटर पेन्स का सेट। अभी ग्लिटर पेन्स है तो उसके साथ लिखने के लिए ये नोटबुक, तो पहले मैंने इतना सोचा था पर फिर मन नहीं हुआ, तो मैंने 2 ग्लिटर के डब्बे ऐड कर दिए। ये गिव अवे जीतने के लिए तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट करना है, दैट्स इट। इस गिव अवे का विनर अनाउंस होगा नेक्स्ट फ्राइडे। इस वीडियो पे ही वापस आना है, मैं पिंड कमेंट में विनर का नाम डाल दूंगी। तो हैव फन पार्टिसिपेटिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आउट्रो हिंदी में, ठीक है, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।